कौन है ये गुड लुकिंग बैड फेलो? द ग्रेट विक्रमादित्य। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। वेल बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग एंड मोस्ट अवेटेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म, टाइटल है राधे श्याम। ट्रेलर आउट हो चुका है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। वेल जिन्होंने देखा है उनकी बस बोलती बंद हो चुकी है, ये बात सच है। बाहुबली लौट के आया है एक बार फिर लगभग 3 साल के बाद। 3 साल से ज़्यादा का ब्रेक हो चुका है बाहुबली को आए हुए, तो मान के चलना अब बाहुबली आया है तो कुछ तो लेके ही जाएगा। 100 करोड़, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़, आपकी क्या है राय इस फिल्म को लेकर कमेंट में बताइएगा। वेल अब बात करें सेलेब्स रिएक्शन को लेकर कि भाई साहब अब ट्रेलर आ चुका है तो क्या बोल रही है पब्लिक, क्या बोल रही है सेलेब्स। वेल सभी का यही जवाब है, अच्छी चीज़ आती है तो उसके लिए इंतज़ार तो बनता है। इंतज़ार किया, कुछ ज़्यादा ही किया और अब हमारे सामने रिजल्ट निकल के आ चुका है फुली सेटिस्फाइड। जी हाँ, जो ट्रेलर है एकदम सेटिस्फाइड करने वाला है। वेल आपको आ दूँ, इस फिल्म के अंदर एस्ट्रोलॉजर का रोल प्ले कर रहे हैं, बोले तो जो विक्रम आदित्य है यानी कि प्रभास, वो राजा तो है ही, उसके अलावा वो देख सकते हैं भविष्य, एक तरह से कह सकते हैं वो वाला एस्ट्रोलॉजर जो कि जान सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, किसकी लाइफ कैसी होगी, वो चीज़ थी। वेल वही चीज़ है जो इस फिल्म को कहीं नेक्स्ट लेवल का बना रहा है और मान के चलना जो माइंड है, माइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रभास का इस फिल्म में, वो अमेजिंग है। मान के चलो ये फिल्म बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है, जिसके चलते अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़े हुए हैं, चाहे वो कितने ही बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है बब्बा, जब ये फिल्म आएगी बॉलीवुड का डब्बा पैक होने वाला है। तो आपकी क्या है राय, बॉलीवुड वालों का क्या है होगा हसल इस फिल्म के आने के बाद? वेल सभी को पता है बाहुबली जिस दिन आई थी, बॉलीवुड की सभी फिल्में आगे पीछे हो चुकी थी। ऐसे में गाइस केजीएफ ने भी सबका डब्बा गुल किया हुआ है, लेकिन केजीएफ के सामने अब टिक रहे हैं कौन, लाल सिंह चड्ढा। देखते हैं क्या होता है 14 अप्रैल को। वेल अब बात करें फिल्म राधे श्याम को लेकर, राधे श्याम अमेजिंग है, रोमांटिक ड्रामा है, लेकिन अब एक चीज़ का दुख है यार कि ये भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ किस्मत जैसी हाफ लव स्टोरी होने वाली है। वेल आपकी अब इस चीज़ को लेकर क्या है राय कमेंट में बताइएगा। वेल आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों की ऐसी तैसी करने वाली है या फिर नहीं? तभी कोई रिएक्शन नहीं है, काफ़ी शांत है बॉलीवुड वाले। ऐसे में मज़ा खूब आता है यार, जब छोटे घर का, मतलब बोलते हैं ना छोटे गांव का लड़का बड़े शहर की बजाता है, तो मान के चलना अब बहुत कुछ होने वाला है। जब बाहुबली लौट के आया है ना तो सबकी ऐसी तैसी होने वाली है। तो आपकी क्या है राय कमेंट में बताओ यार, मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी, सभी के सभी अमेजिंग, अनबिलीवेबल। वेल अभी तक बोलते हैं ना ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है ट्रेलर को आए हुए, तो ज़्यादा रिएक्शन आ नहीं रहे हैं, ज़्यादा पॉइंट्स भी निकल के नहीं आए हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या बताऊँ किसी की राय कैसे आ रही है। नाम किसी का नहीं लेने वाला, वो चीज़ क्लियर है। लेकिन आपको कल फिर मिलते हैं पब्लिक रिव्यू के साथ, सेलिब्स रिव्यू के साथ, और फिर देखते हैं किसने क्या घनघोर अपराध कर डाला। बाय बाय, टेक केयर, और जो भी हो रहा है फिल्म को लेकर कमेंट में बताते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।